मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी नो कन्फ्यूजन पे काम किए और पूरा आंसर बना के आया। डिफिकल्टी थी, लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम हुई है। हाँ, लेकिन आज हिंदी में क्वेश्चन दे दिया, इंग्लिश का ऑप्शन नहीं दिया, एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मोड में पेपर होना चाहिए था जो कि हिंदी में आया है और सारे लोग चेंज करने के लिए ऑप्शन होगा, ऑप्शन भी वर्क नहीं कर रहा। एवरीवन दिस साइड पटना लाइट, और आज जो एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में बिहार स्टेट का, वो समाप्त हो चुका है। कैंडिडेट जो एग्जाम देकर बाहर शुरू हो गए, चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा आ रहा है। हमारे इस एफर्ट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। क्यों खराब गया पेपर? क्या मोड में पेपर होना चाहिए था जो कि हिंदी में आया है और सारे लोग चेंज करने के लिए ऑप्शन होगा, ऑप्शन भी वर्क नहीं कर रहा था और ये बहुत गलत हुआ है। हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा था। 4 साल BSc और 2 साल MSc इंग्लिश में पढ़ने के बाद हिंदी में पेपर नहीं दिया जा सकता है। ये तो बात आप सही बोल रहे हो, बट मोड ऑफ कन्वर्सेशन चेंज करने का ऑप्शन रहता है? कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था और कोई भी सेंटर पे वर्क नहीं कर रहा था। और अगर ऐसा आगे भी हुआ तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। BPSC में अगर रिटर्न हुआ तो फिर और प्रॉब्लम। प्रायर नोटिफिकेशन मिला था इसके लिए कि हिंदी में आएगा? कुछ भी पता नहीं था और ये बहुत गलत हुआ है। चेंज ही नहीं हो रहा था, ऐसा हाल था। अच्छा, ऑप्शन दिया था कि नहीं? ऑप्शन दिया था लेकिन केवल हिंदी में दिया था, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं दिया था। तो पॉसिबली एक तरीके जिसने क्वेश्चन सेट करा है ना उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया ही नहीं होगा। जी जी जी, केवल हिंदी में क्वेश्चन दिया था। हाँ, ये तो बिल्कुल जरूरी ये बात है, क्योंकि बहुत कुछ नहीं समझ में आता है हिंदी में क्या लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है। फिर क्वेश्चंस बिल्कुल समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कैसे बनाए वो हम ही लोग जानते हैं। रियल स्ट्रगल। कुछ सवाल बता सकते हो जो मतलब ध्यान में आ रहा है कुछ? क्या सवाल? तो सर बहुत सारे ध्यान में आ रहे हैं। बताइए जो सर अब हिंदी में कैसे याद होगा सर? जैसे गेहूं के आपका भी था सेम 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 ही सिचुएशन है हम दोनों का। अच्छा, आपने कहाँ से एग्रीकल्चर करा? देहरादून से। देहरादून से सेम लैंग्वेज वाली डिफिकल्टी थी? लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम हुई है। लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है। ये जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन तो मैं समझ रहा हूँ कि हिंदी में आओ, बाकी जो 50 क्वेश्चन था उसका वो इंग्लिश में था, वो ठीक था, बाईलैंग्वेज था, बाईलैंग्वेज था। बट ये मेन एग्रीकल्चर चेंज किया ना। सबसे बड़ा समस्या आज का ये हुआ, जो पेपर हम लोग जो चूज किए थे हिंदी और इंग्लिश दोनों, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आया केवल और केवल हिंदी में आया। और हम लोग CBSE स्टूडेंट थे, 1 to 12 CBSE में किए थे, यूनिवर्सिटी में UG में हमेशा इंग्लिश पढ़े हैं, लेकिन आज हिंदी में क्वेश्चन दे दिया, इंग्लिश का ऑप्शन नहीं दिया, एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जिस कारण से बहुत ही समस्या हुआ। क्वेश्चन और सिंगल एक टॉपिक उठाया गया था लेकिन वो भी केवल इंग्लिश देने कारण एक भी एग्जाम अच्छा नहीं गया। अच्छा, ये पहले नोटिफिकेशन में था कि हिंदी में आएगा कि नहीं, कुछ वैसा बताया नहीं गया था? नहीं, जो हम लोग फॉर्म भरे थे उसमें ऑप्शन था कि इंग्लिश में आप देना चाहते हैं कि हिंदी में। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इंग्लिश में सेलेक्ट किए थे तो हिंदी हमको भी मिल रहा है। अच्छा, आप हिंदी चूज किए थे या इंग्लिश? हम हिंदी चूज किए थे तो हमारा हिंदी आया था, केवल इंग्लिश। और एक इसमें कमी था कि सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पेपर नहीं बना था, इसमें ये हॉर्टिकल्चर से ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन उठाए गए थे, सिलेबस पूरा कवर नहीं किया गया था। ये पूरा परीक्षा हॉल में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो इंग्लिश चूज के पास इंग्लिश आया हो? नहीं, नहीं, हम लोग इंग्लिश से चूज किए थे लेकिन किसी को इंग्लिश आया ही नहीं। अच्छा, आप क्या चूज किए थे? अच्छा, आप क्या चूज क्या किए थे लैंग्वेज? हम इंग्लिश चूज किए। आप भी इंग्लिश चूज किए थे लेकिन आया केवल और केवल हिंदी। और CDP वगैरह वो बहुत अच्छा था, वो सब ठीक है। तो CDP का लैंग्वेज क्या था? उसका इंग्लिश ठीक था लेकिन मैं सब्जेक्ट लैंग्वेज उसमें था। इसमें भी होना चाहिए कि जो लोग हिंदी सेलेक्ट करें चाहे अंग्रेजी सेलेक्ट करें, दोनों लैंग्वेज में देना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आदमी इंग्लिश में देख लेता है, तो आगे से इस तरह की मतलब नहीं होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में देना चाहिए पेपर। अच्छा, सवाल बना पाए कि नहीं हिंदी में होने की वजह से? बिल्कुल नहीं बना पाए ना, बिल्कुल नहीं बना पाए, क्योंकि हम लोग पढ़े थे इंग्लिश में और सवाल आया हिंदी में, तो कैसे लैंग्वेज ही समझ में नहीं आया, पूरा मेहनत बेकार चला गया। किसी भी तरह के क्वेश्चन सवाल समझ में नहीं आया तो आंसर कैसे दे पाएंगे? हाँ, मतलब जो सवाल 70, 80, 90 सही होने चाहिए वो अब कम हो पाएंगे? जी जी जी, वो कम हो पाएंगे, वो कम हो पाएंगे। तो क्या करिएगा अब ऐसा हो गया तो? अब देखिए, बोर्ड सुधारेगी इसको, अगर बोर्ड सुधारेगी तो सही या नहीं सुधारे तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, शुभकामनाएं आपको। जी जी, आपको कौन सा लैंग्वेज मिला एग्रीकल्चर का? हिंदी। हिंदी फॉर्म चूज भरते समय आपने कौन सा लैंग्वेज चूज किया? इंग्लिश ऑप्ट किया था। हाँ, बट पता नहीं क्यों यहाँ हिंदी दिया था मीडियम। एक ही लैंग्वेज था, दूसरा चूज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था? एग्रीकल्चर के लिए नहीं था, बाकी दो पार्ट के लिए था। थोड़ा क्वेश्चन उतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाया आप?
नहीं, क्वेश्चंस इजी थे। अच्छा, मतलब हिंदी समझ में आ रही थी? इतनी थी कि समझ आ रही थी। समझ आ रही थी। हाँ। कितने सवाल किए आपने टोटल? नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो सारे ही सवाल करूंगी ना। एग्रीकल्चर कैसे, एग्रीकल्चर में कैसे सवाल लगे? मतलब जो सिलेबस उन्होंने दिया दे रखा था उसी पे बेस था या फिर कुछ चेंजेस भी थे? सब्जेक्ट वाइज ही था। वैसा ही था। आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा। बढ़िया लगा पेपर, ठीक है। आपको भी लैंग्वेज वाला दिक्कत हुआ? लैंग्वेज वाला हमको दिक्कत नहीं हुआ। आप हिंदी में दिए? जी हम हिंदी में दिए थे। सवाल कुछ ध्यान में आ रहा है कैसा था एग्रीकल्चर का? केवल विलेज सीट से ही ज़्यादा सवाल आ रहा था। अच्छा, जो सवाल पूछे गए थे एग्रीकल्चर वाले पेपर में वो कौन से टेक्स्ट बुक से था, 11th 12th या फिर उससे ऊपर का? नहीं, बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। अच्छा, बीएससी एग्रीकल्चर। जी अच्छा, पूरा सवाल बनाया आपके, कुछ छोड़े भी? नहीं, सब बना दिए। जब निकल सीडीपी वगैरह कैसा लगा? सीडीपी वगैरह पढ़े नहीं थे, टाइम ही नहीं मिला था उतना, सरकार ने टाइम भी नहीं दिया था। अच्छा अच्छा, लेकिन अच्छा लगा था, क्वेश्चन हल्का फुल्का समझ में आ रहा था, मैंने कर ही दिया था। कन्वर्सेशन करिए, क्या कर रहे थे? नहीं, बहुत हम लोग बातें ही कर रहे थे कि पेपर चूंकि हिंदी में था तो मुझे हम लोग पता नहीं चल रहा था कि क्या लिखा हुआ है, तो ऑप्शन से मैच कर रहे थे कि सेम टाइप का ऑप्शन जिसमें है वो टिक कर दे रहे थे। जो सिलेबस था वो वैसा नहीं कुछ भी आया, एक जनरल वे में पूछा है, जनरल एग्रीकल्चर था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा डिमेरिट क्या हुआ ना यहाँ पे कि इंग्लिश में पूछना था क्वेश्चन, हम लोग को हिंदी में पूछा गया, जबकि हम लोग फॉर्म इंग्लिश में भरे हैं, मतलब ऑप्शन चूज करने के लिए पूछता है कि हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो सब लोग ऑप्शन था इंग्लिश और हिंदी दोनों करने का ऑप्शन था, बट इंग्लिश में हो नहीं रहा था वो, और ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ इसी वजह, उसको दिक्कत तो आएगी, लैंग्वेज का इशू आएगा, फिर भी हम लोग कर दिए, अच्छा रहा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी था। आपने कंसर्न अथॉरिटी को बोला कि देखिए लैंग्वेज चेंज नहीं हो रहा है? हाँ, लैंग्वेज चेंज नहीं हो रहा था, जबकि ऑप्शन में दे रहा था इंग्लिश और हिंदी का, दोनों का दे रहा था, लेकिन इंग्लिश का नहीं हो रहा था। केवल जो इन्विजिलेटर थे उनको आपने ये नोटिसफिकेशन दिया, बताया? वो बोल रहे थे कि ओवरऑल सभी सेंटर्स पे इसी तरह से व्यवस्था है। अच्छा। आपको जो भी कंप्लेन करना होगा अभी एस सी बी को करिएगा। अच्छा। वो बता रहे थे, हम लोग नहीं हो रहा था इंग्लिश में क्वेश्चन। हाँ हाँ, बताइए। एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, सभी उत्तर काल्पनिक है और इसका किसी भी बुक से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। इसके लिए हम लोग अपना दिमाग लगाए और मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी नो कन्फ्यूजन पे काम किए और पूरा आंसर बना के आए हम लोग, एकदम सब एकदम बढ़िया हुआ। क्या जितना क्वेश्चन था ना, निगेटिव मार्किंग थी उसमें, तो सभी ओवरऑल सभी किया गया, और मैथ रीजनिंग का एकदम लो लेवल का था, उसमें ओवरऑल सब ठीक था, कोई दोबारा भी दिए एग्जाम? और सर एग्जाम तो अच्छा गया, लेकिन मन खुश नहीं है, खुश भी है, लेकिन क्या किया जाएगा, अपने मन से बना के दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश जो बच्चे ऑप्शन टिक किए थे उनका क्वेश्चन हिंदी में आ गया था, बाकी क्वेश्चन का सबका आ गया था। सेशन वन जो 100 था एग्रीकल्चर का था, वो पूरा का पूरा ऑप्शन तो दे रहा था इंग्लिश और हिंदी का, बट इंग्लिश करने पे इंग्लिश हो नहीं रहा था, वो हिंदी कर रहा था, बच्चों के द्वारा कुछ बोला गया, बच्चों 100 मार्क्स का 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे, प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो एग्रीकल्चर का था उसका जो है इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, लैंग्वेज हम लोग हिंदी में किए हैं, 22 अच्छी देते थे, दोनों सेशन था वो कन्वर्ट हो रहा था इंग्लिश में, सब जनरल लेवल का था, मॉडरेट भी नहीं था, इजी से इजी था क्वेश्चन बस। सो दिस वॉज द अपडेट ऑफ द पेपर। पेपर को लेकर के सबसे बड़ी ये बताई जा रही है कैंडिडेट के द्वारा कि जो लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन था वो नहीं मिला, हिंदी लैंग्वेज में मिला, बायलैंग्वेज का ऑप्शन फॉर्म के टाइम दिया गया था जहां पे इंग्लिश और हिंदी चूज करने का मौका दिया गया था, पर एग्जाम में जब प्रश्न पत्र खुली वहां पे बस जो एग्रीकल्चर का पेपर था वो महज हिंदी के लैंग्वेज में आया, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट जो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देने चाहते थे उनको बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ा, और इफिशियंसी थी उनकी जो वो अगर उनको अगर इंग्लिश में सवाल मिलता तो हो सकता था वो 80 90 या 100 में 100 सवाल सही कर पाते, बट हिंदी होने की वजह से थोड़ा सा इफिशियंसी में उनकी घटाई हुई है। बाकी पेपर का ये अपडेट है, सीडीपी वगैरह वही नॉर्मल रहा, जनरल क्वेश्चन नॉर्मल रहा। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट, और हमारे फट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका ही चैनल है।